नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला बैड न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जनपद पंचायत बिछिया की ग्राम पंचायत कान्हारी कला के सचिव जगदीश सोनवानी के द्वारा कई प्रकार की अनियमितताएं देखी जा रही हैं। जैसा कि वहां पर अधिकतर बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं, इनके प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनकी राशि सचिव के द्वारा निकाली जा रही है और लोगों के आवास भी अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं और सचिव के द्वारा पूरी राशि निकाली गई है। वहीं सड़क निर्माण भी ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है। इसी तरह कान्हारी कला में सार्वजनिक शौचालय भी 4 वर्षों से बन रहा है, जो कि आज तक अपूर्ण है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता अगर ग्रामीणों को पड़ती है तो सचिव के द्वारा पैसों की मांग की जाती है। वहीं संतोष कुमार भारतीय ने बताया कि मुझे सचिव से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेना था, मेरे द्वारा पैसा नहीं दिए जाने पर सचिव के पुत्र द्वारा मारपीट की गई। वहीं मेरे झूठे प्रकरण में फंसा कर मुझ पर मामला बनवाया गया। थाने वालों ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। आज मेरे द्वारा हरिजन कल्याण मंडला में सचिव एवं उसके लड़के की रिपोर्ट कराई जाएगी। इन्हीं सब विषयों को लेकर ग्राम पंचायत कान्हारी कला के ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा और दोषी सचिव के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। बोलिए भाई साहब। मेरा नाम सोमनाथ यादव है, मैं ग्राम पंचायत कन्हारी कला में रहता हूँ। सचिव के द्वारा पूरे 10 काम में अनियमितताएं देखा जा रहा है। वहाँ ग्राम पंचायत के बाजू में शौचालय 4 साल से अपूर्ण पड़ा है और सीसी रोड है, उन रोड में भी जाके देखिए तो बड़ा गिट्टक डाला जा रहा है और डस्ट डाल के उनको पूर्ण कर रहे हैं। और सार्वजनिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय जो हैं, जो बनाए हैं ठेकेदारी द्वारा, वे आज पूरे टूट गए हैं, जिसमें कोई उपयोग लायक नहीं है। सचिव कौन है वहाँ पर? सचिव वहाँ जगदीश सोनवानी। अभी इसकी पहले आपने जनपद में कोई शिकायत की है? जनपद में शिकायत किया हूँ। क्या हुआ? अभी वो कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी जिले में आज ही किया हूँ। आज ही हुई है जी। जो लोग कन्हारी का मामला है ग्राम पंचायत, और यहाँ पे सचिव द्वारा, सरपंच द्वारा, उप सरपंच द्वारा जो ग्रेवल रोड है उसको भी ठेका में बनाया जाता है और सीसी रोड को भी बनाया जा रहा है ठेका में, जबकि पंचायत को ही काम करवाना था। पंचायत के मजदूरों को, गांव के लोगों को काम मिलता, और पीएम आवास जो आए वो आए नहीं, और आए भी हैं तो उनमें पैसा लिया गया और पैसा लेकर के कुछ को तो बना भी नहीं और पैसा आहरित कर लिया गया सचिव द्वारा। और पोषण आहार जो बैगा ग्राम है, वो पोषण आहार की बात आती है, प्रमाण पत्र पंचायत देता है तब पोषण आहार मिलता है। पोषण आहार के लिए 500 रुपये मंगाया जाता है। एक व्यक्ति के पास नहीं था पैसा, उसने बोला भाई पैसा तो लगता नहीं है हम उसमें, इसलिए उस व्यक्ति ने, सचिव ने उसको अपने लड़के के द्वारा और खुद दोनों उठा उठा के पटके हैं उसको। उस व्यक्ति को थाने में रिपोर्ट करें कि हमारे साथ में अभद्रता किया और उसको भी थाने में अंदर करवा दिया। जिसको मारे उसी को करवा दिए। जो कीड़े अभी आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या आश्वासन मिला? बोला गया कि हम कलेक्टर मैडम को देंगे, इसको जांच करवाएंगे, अब जांच होगी उसके बाद।